देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टॉक जनरल मैन्युफैक्चरिंग। हमने आपको इससे पहले इससे रिलेटेड दो मैन्युफैक्चरिंग हमने ऑलरेडी सिखा दी थी, जिसमें एक महावीर था और दूसरा स्टॉक शिवम इंटरनेशनल थी। लेकिन आज हम आपके साथ एक और बार आए हैं जिसमें हम आपको मैन्युफैक्चरिंग सिखाएंगे, लेकिन आज हम पैरामीटर वाइज मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे। अब जब हमने उस समय आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग सीखी थी तो एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग थी, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो इजी थी। लेकिन अब जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी स्टार्ट हो रही है आज से, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी कंपैरिजन और मैन्युफैक्चरिंग के। चलें, तो आज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहलाएगी पैरामीटराइज स्टॉक जनरल मैन्युफैक्चर, जिसमें आपको काफी डिफिकल्टी आने वाली है आज के सेशन में। लेकिन अगर आप इस वीडियो को या इससे आने वाली इससे रिलेटेड वीडियो को अगर आप देख लेंगे, तो आप डेफिनेटली बिजी में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग को इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग भी बिजी सीखना चाहते हैं, बिजी में अपना करियर बनाना चाहते हो, या बिजी को एक अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी बिजी की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो नीचे वीडियो के नीचे एक नंबर दिया होगा, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग तो हमने सबसे पहले हमें जो कंपनी बनानी है उसका नाम है सबरवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी कंपनी बना ली ताकि कंपनी बनाते वक्त हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। मैंने यहाँ से कंपनी क्रिएट करी, मैंने इसका कोई भी पासवर्ड यूजर नहीं रखा और कंपनी को आगे बढ़ा दिया। जब ये कंपनी आगे बढ़ी तो मैं परचेज में आऊंगा। लेकिन आज जब मैं परचेज स्टार्ट करूंगा तो आप देखना, मेरे पास बैच है, मेरे पास शेड है, मेरे पास कलर है, मेरे पास क्वांटिटी, मेरे पास रेट, मेरे पास अमाउंट। देखो, इसके दो तरीके, या तो मैं पहले ये टॉपिक अनेबल करके ये करवा दूं, या मैं पहले आपको परचेज करा दूं। मैं क्या करता हूँ, पहले परचेज सिंपल में आज तक जैसे करी करी थी वैसे कर लेते हैं, फिर बाद में हम उस टॉपिक को अनेबल कर लेंगे। मैंने यहां से सबसे पहले डेट लिखी जो मेरी डेट थी, मैंने वाउचर नंबर लिखा जो था वो लिख दिया, पार्टी का नाम था वो मैंने F3 करके बनाया, ग्रुप में मैंने सन्ड्री क्रिएटर्स रखा, मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो करा और दो बार F2 करके सेव कर दिया। माल मैंने मेन स्टोर रखा और उसके बाद मुझे आइटम परचेज करनी थी क्लोथ, तो मैंने यहाँ लिखा क्लोथ और क्लोथ के बाद 050 60 डाल दिया। ग्रुप में मैंने जनरल रखा, यूनिट मैंने मीटर रखी और रेट इसमें मुझे पता नहीं है तो मैंने इसे सेव कर दिया। इतनी क्वांटिटी, अगर आप इस क्वांटिटी का टोटल करेंगे तो क्वांटिटी का टोटल आएगा 1550, मैंने यहाँ मैनुअली लिख दिया और उसके बाद इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दिया, जिससे मुझे एक पीस की एवरेज पता चल गई कि ये मेरे लिए 18 रुपये 74 पैसे का पड़ेगा। क्यों मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम टोटल क्वांटिटी को टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक पीस की एवरेज मिल जाती है। क्लियर? इसके बाद हमें फ्रेट लगाना है, तो हमारे पास तो फ्रेट ऑलरेडी बना होता है ना, लेकिन हम इसमें जानते हैं हमेशा ऑल प्लस एम करेंगे। किस टॉपिक को यूज करते हैं, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज, सेव करेंगे। गलती हुई है तो F9 करेंगे, यहाँ फ्रेट डालेंगे कितने 500, तो 500 डाल देंगे। फिर हमें F3 करके बनाना है ट्रांसपोर्ट, तो हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम से तो वो भी बना लेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर से यस करेंगे और यहाँ एब्सोल्यूट अमाउंट करके सेव कर देंगे, कितना है 500, तो 500 डाल देंगे। एक और अकाउंट है अदर एक्सपेंस के नाम से, तो हम यहाँ अदर एक्सपेंस डाल देंगे। ग्रुप में यहाँ पर एडिटिव करेंगे और इस टॉपिक को यस करके सेव कर देंगे। सेव हो गया, कितनी क्वांटिटी 1000, तो हमने यहाँ 1000 डाल दिए। कितने का बिल हो गया 31,000 रुपये। इसके बाद हम 10% डिस्काउंट देके अपने बिल को सेव कर देंगे।
इसके बाद कोई ट्रांसपोर्ट थी, जगदीश ट्रांसपोर्ट है, तो हमने यहाँ से जगदीश ट्रांसपोर्ट लिख दी, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमने वो डालकर सेव कर दी। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेकिन सर, आपने तो इसमें हमें ना तो बैच सिखाया, ना ही शेड, ना ही कलर, ना ही क्वांटिटी, तो ये तो नॉर्मल परचेज है। अब हम आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशंस, फीचर ऑप्शन, इन्वेंटरी के अंदर हमें एक टॉपिक मिलेगा पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स पर जाएंगे और आपको जैसे पैरामीटर टॉपिक पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर मिलेगा पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन, और कह रहा है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 ही ले सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। कभी भी आप अपने माइंड को फिक्स कर लें कि आप 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। इसके बाद इसे ओके पर क्लिक करें, और आपको क्या चाहिए, आपको क्या हेडिंग चाहिए? तो मेरी पहला जो है वो है मेरा बैच नंबर, तो मैंने यहाँ लिखा मेरा बैच नंबर आ गया। अभी कह रहा है कि बैच नंबर में जो आप कैरेक्टर डाल सकते हैं, जो एक बैच नंबर में कैरेक्टर डालोगे 10 डिजिट्स के डाल सकते हो। मैंने कहा सर थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दो, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक डाल सकता हूँ, मतलब एक वर्ड की लेंथ 20 कैरेक्टर तक होगी। इसके बाद एक होता है ओपन, एक होता है प्रीडिफाइंड। अगर आपकी वैल्यू हर बार रिपीटेड आती, जैसे कलर रिपीटेड आते, तो आप इसे प्रीडिफाइंड कर दो, लेकिन आपकी वैल्यू अगर हर बार चेंज होके आती है तो आप उसे ओपन पे रखें, फिर ओके कर दें, फिर ओके कर दें और फिर सेव कर दें। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अब आप परचेज पर आए, मॉडिफाई पर जाएं, और अब इसको पहले ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई करें। गलती हो गई तो आप इस टॉपिक को यस करें और सेव कर दें। देखिए मैंने इस टॉपिक को परचेज करने के बाद एनेबल कराया आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग इस टॉपिक को करने जा रहे तो पहले आप पैरामीटर को अनेबल कर लेंगे, उसके बाद ही इस टॉपिक को परचेज करें। मुझसे गलती हुई तो मैं F9 करूंगा और मैं यहाँ क्लोज। अब कभी भी पैरामीटर में पहले क्वांटिटी मत डालिए, यहाँ 0 लिखिए और फिर इंटर मारिए, उसके बाद ये बैच आ जाएगा। बैच लिखो, बैच 1001, कितनी क्वांटिटी, 110 क्वांटिटी, बैच 002, 120 क्वांटिटी, बैच 003, 130 क्वांटिटी, बैच 004, 140 क्वांटिटी, बैच 005, 150, बैच 006, 160, बैच 007, 170, बैच 008, 180, बैच 009, 190 और बैच 001020। तो ये हमारे पास आ गया, कितना था, 29,040, और हमने इसे सेव कर दिया। क्लियर है, इतना समझ आ गया? मतलब अगर मैं वहां एक पैरामीटर को अनेबल करूंगा ना सर, तो मेरे पास एक पैरामीटर साथ साथ क्वांटिटी भी आ जाएगी। लेकिन सर मुझे अब दो चाहिए, मुझे बैच के साथ साथ क्या चाहिए, शेड चाहिए, बताओ सर मैं क्या करूं? आप वहां पर जाने के लिए दो ऑप्शन, या तो मैनुअल जाओ या फिर शॉर्टकट से ऑल्ट एफ दबाओ, फीचर ऑप्शन में जाओ, इन्वेंटरी पर जाओ और यहाँ से जहाँ पैरामीटर है इसे आप 2 कर दो और एक और टॉपिक ले लो जिसका नाम आप शेड रख देना, ठीक, और सेव। साथ साथ आप एक टॉपिक को अनेबल भी कर दे जिसका नाम है इन्वेंट्री इनपुट ट्रांजेक्शन एंड प्राइस एंड, सॉरी रिपीट करता हूँ, इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है अगर तुम्हारी पैरामीटर के अंदर किसी का रेट अलग अलग है, मान लो रेड कलर का रेट अलग है और कलर का अलग, जैसे इसमें रेट अलग है, इसमें अलग अलग रेट है, तो उस समय ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इसे यस करें, ओके करें, ओके कर दें, दो हो गया। अब अगेन उस बिल को मॉडिफाई करें, मॉडिफाई के लिए जाएं परचेज में, यहां पर आए और उसके बाद आप इसे एंटर मार, तो अब देखिए आपके दो आ गए, शेड आ गई, शेड 1 to 10 है, तो मैंने यहाँ पर 01 लिखा, 02 लिखा, 03 लिखा, 04 लिखा, 05 लिखा, 06 लिखा, 07 लिखा, 08 लिखा, 09 लिखा, 0 और ओनली 10 लिख दिया। आ गया, अब इसके बाद मैं इसके रेट डाल देता हूँ,
ठीक है, पहला है 10 रुपए, 10 डाला, फिर 11 तो 11 डाला, फिर 12 तो 12 डाला, फिर 14 तो 14 डाला, फिर 15 तो 15 डाला, फिर मेरा 20 तो 20, ठीक है, फिर 25, फिर 25 और फिर मेरा 25। ये टोटल मैंने इस तरीके से डाल के सेव कर दिया। क्लियर है? तो एवरेज तो वैसे ही निकलती है। एवरेज कैसे निकालता है? टोटल अमाउंट को डिवाइड करता है टोटल क्वांटिटी से। एवरेज तो हमेशा सेम आती है। क्लियर? तो ये हमारी परचेज हो गई। और अब मुझे तीसरा भी ऑप्शन चाहिए। मुझे तीसरा क्या चाहिए? मुझे तीसरा चाहिए, क्या चाहिए सर? तीसरा कलर चाहिए। तो सर दो तरीके तो आपने बता दिए वहां पर पहुंचने पे पैरामीटर। तीसरा तरीका अगर आपको पैरामीटर पे पहुंचना है वहां पर, तो आप मास्टर आइटम डिटेल और इंटर मारेंगे तो डायरेक्ट आप वहीं पहुंच जाओगे। इसके बाद पैरामीटर डिटेल पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ 3 कर दोगे और यहाँ से कलर ले लोगे। मैंने यहाँ से कलर ले लिया। इसके बाद मैं इसे भी 20 कर देता हूँ, ओपन, इसे भी 20, 20 और इसे भी मैं 20 कर देता हूँ, 20 हो गया। इसके बाद मैं इसे प्रीडिफाइंड कर देता हूँ और प्रीडिफाइंड में कलर ले लेता हूँ रेड, येलो, वाइन, वाइट, ठीक है, ग्रे, नेवी, रॉयल, ठीक है, वाइट बना हुआ है, ब्लैक, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, सिल्वर, और भी कोई कलर है, पैरेट, तो मैंने यहां से पैरेट बना दिया, ठीक है। इसके बाद ग्रीन हो गया, वाइन हो गया, येलो हो गया, और जो कलर आएंगे देख लेंगे। इसके बाद मैंने इसको ओके करा। अगर आप सेल प्राइस ही मेंटेन करना चाहते हो तो आप सेल प्राइस पे भी क्लिक कर दो। एमआरपी मेंटेन करना चाहते हो तो आप एमआरपी भी मेंटेन कर दो और उसके बाद ओके कर दो और सेव। सेफ हो गया। सेफ हो जाने के बाद आपको एक बार स्कैप करना है और दोबारा यहाँ आना है। और जैसे ही आप इस पे इंटर मारोगे तो सर यहाँ पर सबसे पहले देखो कलर, कलर आप आपको लिखना है रेड तो रेड आ जाएगा, आपको येलो तो येलो लिखना है, येलो आ जाएगा, वाइन तो वाइन आ जाएगा। वाइन नहीं बनाया क्या? बनाया। वाइन तो वाइन डाल देंगे हम लोग। वाइन के बाद हमारे पास आता है ग्रीन, तो हम ग्रीन डाल देंगे। ग्रीन के बाद ग्रीन नहीं बना तो F3 करके बना लो, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन के बाद हमारे पास नेवी, तो हम नेवी डाल देंगे। नेवी के बाद ब्लैक, तो हम यहाँ से ब्लैक डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास पैरेट, तो हम पैरेट डाल देंगे। पैरेट के बाद अगर फॉर्म है तो हम फॉर्म डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास वाइट, तो वाइट डाल देंगे। और उसके बाद हम येलो, तो हम येलो डाल देंगे। और हमने इसे सेव कर दिया। इसके बाद एमआरपी मेंटेन करनी है तो आप एमआरपी भी डाल सकते हैं। हमारी एमआरपी तो कुछ दिन रखी, लेकिन समझाने के लिए मैं एमआरपी 50 रुपये डालता हूँ। अब यही नीचे ड्रैग करना है तो उसकी शॉर्टकट की F7 होती है, ऊपर वाली चीज नीचे रिपीट करने की। तो ओल्ट F7 दबा दूं या फिर ओल्ट आर दबा दूं, ओल्ट आर से भी ऊपर चीज नीचे रिपीट होती है और आपका F7 से भी ऊपर वाली चीज नीचे रिपीट होती है। कितना हो गया? ऐसे अगर आप इसका सेल प्राइस डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद से F7 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 कर दें, गलती हो गई, F9 करें और सेव कर दें। सेव सेव और सेव। क्लियर? कुछ गलतियां आप लोग जान पूछ के करोगे, जिसका मैं अभी आपको हिंट दे देता हूँ। आप लोग क्या करोगे, एंट्री करते वक्त क्वांटिटी लिख दोगे 110 यहाँ पर और इंटर मारोगे तो ये चीजें फिल होंगी। जब आप इसे सेव करोगे तो कभी सेव ही नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वहां पर 0 लिखें, उसके बाद क्वांटिटी को पुटअप करें। दूसरी बात, अगर ऐसी मिस्टेक हो जाती है और आपने ये सारी एंट्री कर रखी है तो उसके बाद कुछ नहीं करना, इस एरिया को
सिलेक्ट कर लेना। मैंने शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाई एंड शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाई। इसको मैंने कंट्रोल सी के साथ कॉपी करा और फिर मैंने यहाँ क्वांटिटी 1550 करी और मैं कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। क्लियर? तो अगर कभी इस तरह से गलती हो जाए तो आप इस तरीके से इसे फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैं इसे कॉपी कर लूंगा और फिर मैं इसकी वैल्यू को पुटअप कर दूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं काम कर रहा था, काम करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, लेकिन जब जैसी आया तो मुझे पता चला कि 64 एंट्री है, 64 से ज्यादा बीजी में पैरामीटर नहीं डाल सकते, ऐसा यहाँ था। अब मैं करूँ क्या, या तो मैंने सारी एंट्री कर दी उसे हटा दूँ, या फिर मैं करूँ क्या, दूसरा तरीका, मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा इतने को इस तरीके से और कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लूँ। अब मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ से एक आएगा मैक्सिमम एंट्री में, और यहाँ से पैरामीटर को मैं 999 कर दूंगा। मैं आइटम को भी 999 कर देता हूँ, अकाउंट्स एंट्री को भी 999 कर देता हूँ, बिल्स एंट्री को भी 999 कर देता हूँ, कॉस्ट सेंटर को भी 999, स्टॉक फॉर्म को भी 999, बिल बाय बिल फॉर्म को भी 999, बैच वाइज पैरामीटर को भी 999 और अदर डिफरेंसेस को भी 999 डाल दिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि जब मैं आइटम की रिपोर्ट देखूंगा तो मेरा बेनिफिट मिलेगा। सर कैसे मिलेगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब आइटम में 900 आ गई, बिल्स एंट्री में कितने आ गए, 900 आ गए, तो मतलब एक बार में मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। क्लियर? और फिर अब देखो आपके पैरामीटर के साइज बढ़ गए, अब पैरामीटर में एक बार में आप 999 एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें खत्म हो गई, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने आगे बढ़ना है, तो हमें सेम है चीज हम परचेज करते हैं। कितनी तारीख को, 2 तारीख को, तो हम 2 तारीख पर आए, पार्टी का नाम टाइप करा, जो भी पार्टी का, पहले डेट टाइप करी, डेट टाइप करा, पार्टी का नाम था वो टाइप करा, और जो आइटम का नाम था हमने वो F3 करके बनाया। आइटम पार्टी का नाम था बजरंग, बजरंग फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप में हम संडी क्रेडिटर्स रखेंगे, मेंटेन बिलर टॉपिक को नो करेंगे और सेव कर देंगे। हमने आइटम बनाई फैब्रिक, तो हमने F3 करा और लिख दिया फैब्रिक। ग्रुप में हमने इसको F3 करके बनाया, हमने इसे क्लोथ के ग्रुप में डाल दिया, या हमने इसे फैब्रिक के ग्रुप में डालकर सेव कर दिया। यूनिट मीटर रखा, रेट इसका हमें पता, रेट सबका 10 है तो 10 डाल दिया, और हमने इसे पैरामीटर टॉपिक को यस रखा। अगर आपको जरूरत नहीं है ना पैरामीटर की, तो आप इसे नो कर देना, तो यस कर दिया। कितनी क्वांटिटी, मैं यहाँ 0 कर दूंगा और अब एंट्री को पुटअप करूंगा। सबसे पहले मेरे पास बैच है, इसका कितना है, बैच नंबर है 7681155, शेड है इसकी 01, कलर है इसका रेड। क्वांट एमआरपी कितनी मान लो इसकी 150, 100, और क्वांटिटी है कितनी 100, तो मैंने यहाँ 100 डाल दी, रेट 10 रुपये आ गया। सेम बैच नंबर है, सेम बैच नंबर है, तो मैं यहाँ F7 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 करके डालता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। कलर है रेड येलो ब्राउन, तो रेड येलो ब्राउन, तो यहाँ F3 करके बना लिया ब्राउन। ठीक है, ब्राउन के बाद हमारे पास है वाइन वाइन ब्लैक। ठीक है, MRP F7 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 F7, क्वांटिटी 150। ठीक है, 150 के बाद 160, 170, 180। क्लियर, इतना हो गया, तो ये आ गया हमारा। इसके बाद हमने एक और आइटम परचेज करी डायनम, तो हम F3 करेंगे और डायनम को डायनम के ग्रुप में डाल देंगे। हमने ये डाल दिया, जैसे यस करा और हमने सेव कर, सेव हो गया। यूनिट हमने मीटर ली, पैरामीटर को हमने रेट डाला 10 रुपये और सेव। कितनी क्वांटिटी, हमने कहा 0 क्वांटिटी, हमने 0 डाला,
और इसके बाद जो भी हमारा बैच नंबर होगा हम वो डाल देंगे। मेरा बैच नंबर है 7681555, ठीक है, और उसके बाद F7 F7 F7, ठीक है, F7, इतना हो गया। शेड इसमें है 1, वही है 02 03 04 और 05। कलर इसका जो है वो है इसमें ग्रे, ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन और वाइन। 150 F7 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 F7। ठीक है, क्वांटिटी कितनी? 10 रुपए। 10 क्वांटिटी गलत है, क्वांटिटी 200 200 200 200 100 और 100। क्लियर, टोटल मिला के 15,600 का बना। इसमें अदर एक्सपेंस आपके आ जाएंगे कितने रुपए के? अदर एक्सपेंस आएंगे 5,000 रुपए के। टोटल बिल हो गया 20,600 का, हमने इसे सेव कर दिया। दो बिल हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम परचेज पर आएंगे, हमें तीसरी परचेज करनी है। सेम यही परचेज है, तारीख आपकी 5/4/5/4 लिखेंगे। पार्टी वाउचर नंबर है इसका 5001546 01। पार्टी का नाम हम F3 करके बनाएंगे, हमने यहाँ पार्टी का नाम लिखा मीनाक्षी एंटरप्राइजेस, गुरु में संडी क्रिएटर्स। मेंटेन वाला टॉपिक को नो करेंगे और दो बार F2 करके सेव कर देंगे। यहाँ आइटम बनाई हमने लिए डायनम, तो हमने F3 करके बनाई डायनम 01, ग्रुप में डायनम, यूनिट मीटर, रेट प्राइस सबका सेम है 10, तो हमने यहाँ से 10 डाला और सेम। कितनी क्वांटिटी? अब ऐसे डायनम 2 डायनम 3 तो बना लेता हूँ, पहले ओल्ड प्लस एम करता हूँ, F12 से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, और इसको 2 करके सेव कर देता हूँ। ऐसे ही मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसे 3 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ऐसे ही इसे डुप्लीकेट करता हूँ और इसे 4 कर देता हूँ। ऐसे इसे डुप्लीकेट करता हूँ और इसे 5 करके सेफ हो गया। इसके बाद 01 लिखा मैंने, कितनी क्वांटिटी? मैंने कहा क्वांटिटी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मैन्युअली लिखता हूँ 0। सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है इसका बैच नंबर क्या है, तो मैं यहाँ से बैच नंबर डालूंगा 74601, ठीक है। कितनी आइटम है? 4, तो मैंने 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद शेड इसकी 01 02 03 04। कलर है रेड रेड येलो, तो रेड रेड येलो और ग्रीन, तो मैंने ग्रीन डाल दिया। एमआरपी नहीं है तो छोड़ देते हैं। रेट क्वांटिटी है इसकी 100, 120, 140 और 150, और हमने इसे सेव कर दिया। ऐसे ही डायनम 2, डायनम 2 में भी हमारा है 0 क्वांटिटी। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? बैच, तो हम बैच डालेंगे 74602, शेड 01, कलर हमारा ब्लैक, तो हम ब्लैक डाल देंगे। F7 F7 F7, ठीक है, 5 बार है तो हम 5 टाइप कर देंगे। इसके बाद हमारा बैच 2, शेड 2 03 04, सर 4 ही तक है, एक एक्स्ट्रा लिख दी मैंने, F9 से हटा दी। कलर ब्लैक के बाद हमारे पास है 2 ब्लैक हैं, एक येलो और एक ग्रीन, तो हम यहाँ 2 ब्लैक कर देते हैं, फिर 2 येलो कर, एक येलो कर देते हैं और एक ग्रीन कर देते हैं। क्वांटिटी इसमें कितनी है? क्वांटिटी है 170 180 140 130, 170 180 140 130, ठीक है, और हमने इसे सेव कर दिया। इसके बाद डायनम 3 खरीदी, तो हमने यहाँ से 03 लिखा डायनम। कितना है? सेव क्वांटिटी 0 है,
बैचेस 7474603, शेड कितनी 01, तो यहाँ 01 डाल देंगे। कलर रेड, तो हम यहाँ से रेड डाल देंगे। और क्वांटिटी कितनी है हमारी, क्वांटिटी 120, तो हम यहाँ से 120 डाल देंगे और सेव कर देंगे। ऐसी हमने डायनम 04 डाली, कितनी बैच है इसकी शेड, 0 क्वांटिटी। इसके बाद हमने यहाँ डाली है 74604, शेड हमारी कितनी 02, कलर हमारा क्या येलो, तो हम यहाँ से येलो। और क्वांटिटी कितनी है 100, तो हम यहाँ से 100 डाल देंगे और सेव। इसके बाद डेन 0505 डाला, क्वांटिटी 110, तो 110 डाल दी। और इसका बैच है 474605, शेड हमारी कितनी है 01, कलर शेड हमारी इसमें क्या थी 01, तो हमने 01 ले ली। कलर हमारा रेड था, तो कलर हमने यहाँ से रेड ले लिया। और क्वांटिटी 110 डाल के सेव कर। टोटल मिला के हमसे 1450 क्वांटिटी थी, हमने 1460 क्वांटिटी थी हमने वो ले लिया, हमारा बिल मैच हो गया। इसके बाद सबसे पहले पैकिंग चार्ज लगेगा, हम पैकिंग चार्ज बनाते हैं फ्री करके, या मैं इसमें अदर में डाल दूँ, ये तो आपको सिखा दिया है। तीनों को जोड़ देता हूँ, 2000 और ऐसे डाल के सेव कर देता हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने परचेज करी हरी से, तारीख कितनी है, तारीख इसकी है 4/4, तो 4/4 लिखा। वाउचर नंबर है 1501, पार्टी का नाम हरी है, तो हम F3 करके बनाएंगे। हरी ट्रेडर्स ग्रुप में सेंड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिलाल टॉपिक को नो करेंगे और दो बार F2 करके हम सेव कर देंगे। हमने क्या आइटम लिए, इसमें पैंट फैब्रिक लिया है। लेकिन देखो सर, अब तुम्हें यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ बैच, यहाँ क्वालिटी और यहाँ शेड आ गई। मतलब अब तक हम जो पैरामीटर यूज करते थे उसमें बैच, शेड और कलर थी, लेकिन आज एक पैरामीटर चेंज होगी जिसमें बैच, क्वांटिटी और शेड आ रही है। मतलब क्वांटिटी इन द सेंस क्वालिटी। अब हम करें तो करेंगे, अगर हमने वहां जाके चेंज करा कहां से, मेन प्लेस से, जैसे कंट्रोल F, फीचर ऑप्शन, इन्वेंटरी में जाकर अगर हम यहाँ कभी भी कोई चेंज करेंगे, तो हमने जो अभी तीन बिल सेव करें उनके अंदर भी इफेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमने एक बार उस टॉपिक को अनेबल कर लिया, तो बार बार हम उस टॉपिक को अनेबल और डिसेबल नहीं करेंगे। प्लीज ऐसा कभी मत करिएगा, आप लोग फंस जाएंगे। अगर आपने वहां से टॉपिक हटा दिया और आपने जितनी परचेज करी होंगी या जितनी सेल करी होंगी, वहां से वो टॉपिक हट जाएगा और फिर बाद में रिकवर नहीं होगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है सर। तो प्लीज जब भी करें बैकअप ले लें एंड देन उसके बाद करें। सर अब क्या करें, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमें पैरामीटर को अलग करना है। लेकिन हम यहाँ से एक आइटम बनाएंगे, आइटम लिखी हमने पैंट फैब्रिक 01, तो हम वो डाल देंगे। और यहाँ से ग्रुप बनाएंगे किसका, पैंट फैब्रिक का। हमने पैंट फैब्रिक का ग्रुप बनाया और देखो जैसे ही नीचे आया तो यहाँ एक टॉपिक मिलेगा, लिखा है पैरामीटर स्टॉक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन। एक तो आप डिफॉल्ट वहीं से उठा सकते हो जो हमने डाली, जिसमें आपका पहला बैच है, दूसरा शेड है और तीसरा कलर है। अगर वो नहीं समझ आता तो आप यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं और यहाँ से अपने आप डाल दें, पहला बैच, दूसरा क्वालिटी, तो यहाँ से क्वालिटी डाल दें और क्वालिटी में फिक्स कर दें। क्वालिटी भी तीन तरह की, एक आपकी फिनिश गुड्स है, फिनिश है, और दूसरी आपकी क्या है, और दूसरा तीसरी आपकी कलर है। तो आप यहाँ से कलर डाल, कलर आपको पता है शेड है, तीसरा कलर नहीं, तीसरा शेड, तो आप इसे शेयर डाल दें। क्लियर, और सेव कर दें बस। मतलब मैं हर आइटम के लिए अलग अलग पैरामीटर बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमेशा। यूनिट मैंने मीटर लिखा, रेट मुझे पता नहीं है और मैं सेव कर देता हूँ। क्वांटिटी मैंने जीरो लिखी
और अब यहां से मैं इंफॉर्मेशन एक एक करके फिलअप करने जा रहा हूं। बैच नंबर है 6501, तो मैंने यहाँ 6501 डाला, और ये बैच नंबर 3 बैच नंबर है, तो मैंने यहाँ से 3 डाला, 1 2 3 हो गए। इसके बाद मेरा बैच नंबर है 6502, ये 4 बार है, 2 3 4 बार कर दिया। इसके बाद मेरा बैच नंबर 3 6 बार है, तो मैंने यहाँ चीन लिख दिया 6503, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने लिख दिया। क्वालिटी मेरे पास फिनिश है, तो मैंने यहाँ फिनिश लिखी, कितनी है फिनिश 3, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। इसके बाद नॉर्मल, तो मैंने F3 करा और बनाया नॉर्मल 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 नॉर्मल, ठीक है। 3 से चेंज हो गई, 3 से बेस्ट हो गई, तो मैंने यहाँ से बेस्ट कर दी। उसके बाद F7 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 F7। अब आती है शेड की बात, मैंने फिनिश लिखा और मैंने यहाँ शेड की बात करी। शेड में 10 11 12 21 22 33 34 41 42 43 44 45 और 46। क्वांटिटी पर आ जाते हैं, क्वांटिटी है 100 110, मैंने 100 110, 120, 130, 140 और 150, फिर 110, ठीक है, रेड बार 120, 130, 140, 150, 110 और आपका 140, ठीक है। ये आपकी परचेज हो गई कंप्लीट। यहाँ रेट डालो, 60 के 3 है, तो मैंने यहाँ 60 लिखा, F7 F7। फिर 65 के कितने हैं, 65 के 4 है, तो मैंने 4 डाला। उसके बाद 70 के बाकी सब 70 के, तो मैंने यहाँ से 70 डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ओके कर दिया, टोटल 1 लाख हो गया। फिर मैंने यहाँ अदर एक्सपेंस बनाया और 500 रुपये डालकर सेव कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हमारी 4 परचेज हो गए, 5वीं परचेज हमारी नॉर्मल है, हमने 1 तारीख लिखी, 1/4, पार्टी का नंबर 01, तो हम यहाँ 01 डाल देंगे, और पार्टी का नाम है आई विलेज सॉल्यूशन, तो हम पार्टी बनाएंगे आई विलेज, क्या नाम है, सोशल और क्या नाम है, सॉल्यूशन LLP, ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर्स मेंटेन विलेज टॉपिक को नो करेंगे और सेव करेंगे। सेव हो गया हमारा। उसके बाद हम आइटम लेंगे अस्तर, तो हमने यहाँ F3 करके आइटम बनाई अस्तर। ग्रुप में हम रो मटेरियल डाल देंगे, F3 करके बनाएंगे रो मटेरियल, तो हमने यहाँ से रो मटेरियल डाल दिया। पैरामीटर को यस करा और सेव कर दिया। यूनिट हम मीटर रखेंगे, अस्तर को हम नो कर देंगे और सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी, 10,000, तो हम यहाँ से 10,000 डाल देंगे, रेट 10 रुपये। इसके बाद अस्तर नॉर्मल क्वांटिटी, तो हमने यहाँ से अस्तर लिखा, अस्तर नॉर्मल, यूनिट में रॉ मटेरियल मीटर, रेट 10 रुपये, 10 डाल देंगे और सेव। कितनी क्वांटिटी, 10,000, तो हम 10,000 डाल देंगे। लेकिन गलती से मुझसे पैरामीटर अनेबल हो गया, मुझे पैरामीटर नो करना चाहिए था, तो मैं ओल्ड प्लस एम करूंगा, जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां से अनेबल नहीं करेंगे, बस सेव। गलती हुई है तो F9 करें, फिर अस्तर लिखें नॉर्मल, कितनी क्वांटिटी, 10,000, तो 10,000 डालें। फिर आपका गोल्डन, तो आप F3 करें, यहाँ से बनाए क्या,
बटन गोल्डन, तो हमने यहां से करा बटन गोल्डन, ग्रुप में रॉ मटेरियल, यूनिट हमने पीस रखी, रेट कितना 0.50, 0.50 आती, कितनी क्वांटिटी 50,000। ओहो शिट, फिर टॉपिक अनेबल है क्या मुझसे? और जल्दी के चक्कर में ऐसा हो रहा है ना, इसको नो कर दूंगा और सेव कर दूंगा। गलती हुई F9 की, मैंने यहाँ से बटन डाला, कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 5,000, 50 50 डाला। F3 करके एक और आइटम बनाई जिसका नाम मैंने लिखा बटन, तो मैंने यहाँ से बटन डाला बटन, लेकिन कौन सा हमारा ब्लैक कलर का, तो हम यहाँ से ब्लैक कलर डाल देंगे। ग्रुप में रॉ मटेरियल, यूनिट में पीस, और हम इस टॉपिक को नो कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले ही नो कर दिया ताकि बाद में भी दिक्कत ना हो। वो सेव होगी, कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 50,000, तो मैंने 50,000 डाल दी। इसके बाद रिपीट है, रिपीट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिपीट ने बोला है एक पैकेट बराबर 100 पीस, एक पैकेट बराबर 100 पीस, तो रिपीट वाले तो अल्टरनेट यूनिट है इसमें। सर अल्टरनेट यूनिट होती क्या है? बाय पहले हमें ये क्लियर हो, अल्टरनेट यूनिट होती है कि एक यूनिट टॉप और उसके अंदर है सब यूनिट बॉटम। जैसे आप चॉकलेट का पैकेट लाते हो, चॉकलेट के पैकेट में 25 पीस होती है, तो पैकेट एक के और उसके अंदर सब पीस कितनी, 25, तो उसे अल्टरनेट यूनिट कहते हैं। तो इसे एनेबल करने के लिए आपको कंट्रोल एफ करना है, फीचर ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री में जाने के बाद आप यहाँ से अनेबल क्या कर देंगे, अल्टरनेट यूनिट, और सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब यहाँ F3 करके रिपीट बनाएंगे, हमने यहाँ लिखा रिपीट, ग्रुप में रॉ मटेरियल, अब पैकेट बनाएंगे F3 करके पैकेट, और सब पीस में डाल देंगे। पीस कितने का कॉन फैक्टर है? 100 का कॉन फैक्टर है, तो हम 100 का डाल देंगे, और हम यहाँ दोनों के रेट फिलअप कर देते हैं। प्राइस का रेट है इसके अंदर, पैकेट का रेट है 60 रुपए, और एक पीस का रेट हो जाएगा 6 पैसे, और हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, एक पीस का रेट रेट मतलब एक पीस का रेट 6 पैसे हो जाएगा ना, मतलब 60 पैसे हो जाएगा, क्योंकि 100 पीस का रेट कितना है आपका, 100 पीस का रेट है 60 रुपए। जैसे एंटर मारा, कितने हमने कहा 1,000 पैकेट, तो हमने यहाँ से 1,000 लिखे। देखो एंटर मारेंगे तो हमारी अल्टरनेट यूनिट आ जाएगी। ओहो ऑल प्लस एम F9, इसे नो करेंगे, गलती हुई है F9 करेंगे, और रिपीट 1,000। ठीक है, एक 10,000 खरीदिए ना, 1,000 खरीदिए, 1,000, तो फीस कितनी हो जाएगी, 1,00,000, क्योंकि एक में कितना था, 100 था। इसके बाद हमने परचेस कर लिए पोलोथीन, तो हम F3 करेंगे और यहां से बनाएंगे पोलो थीन। ठीक है, पोलोथीन इसे लिखेंगे यहाँ पे, पर रॉ मटेरियल, यूनिट पैकेट रखेंगे, और इसका जो कॉन फैक्टर है वो 1,000 का है, पीस बराबर 1,000, तो आप यहाँ 1,000 लिख दो, फिर यहाँ दोनों के रेट डाल दो। परचेज कितनी है, कह रहा एक पैकेट की रेट है 1 रुपए, तो आप 1 डाल दो, और पीस का रेट बताओ तो डाल देना, तो आप डाल दो तो 0.001 इस तरीके से पिक ही नहीं करेगा रेट। अभी भी अल्टरनेटिव पैरामीटर ऑन हो गया, इसे नो करेंगे, इसे नो करके सेव कर दो, गलती हुई F9 करेंगे, और यहाँ से फॉलो थीन लिख देंगे। कितनी पीस है, 1,00,000 पीस, तो हमने यहाँ से 1,00,000 पीस खरीदी, तो कितनी हो गई हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर पीस होगा, पैकेट नहीं होगा, तो गलती से ही हो गया, यहाँ पर आप पीस कर दो, इसको ऑल प्लस एम करो, और यहाँ पर अब पैकेट के रेट में डालो, पैकेट के रेट डालोगे तो 1,000 रुपए है, और पीस का डालोगे तो 1 रुपए। क्लियर है, F9 करेंगे, यहाँ पॉलिथीन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1,00,000 पीस है, 1,00,000 पीस का मतलब कितनी, 1,000 पैकेट, तो मैंने यहाँ से 1,000 पैकेट डाल दिए। रेट में फिर कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, रेट में ठीक कर देता हूँ। रेट कह रहा है कि एक पैकेट में 1,000 पीस है, तो हम मान लेते हैं एक पैकेट की कीमत 100 रुपए, अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं,
कंफ्यूजन ना हो, वरना बहुत कॉस्टली बन जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक पीस का रेट 10 पैसे डाल देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं 1,000 को डिवाइड करूंगा 100 100 से, तो 10 से 100 से करूंगा तो वही आपका कॉमन सी बात है, 10 आएगा ना। तो हाँ, 10 पैसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब परफेक्ट है, मैंने F9 करा, पोलोथीन डाला, या मैंने 1,000 पैकेट बोला, ठीक है, और इंटर मार के, यहाँ रेट कितना आ गया, 1 लाख आ गया, और पीस 1 लाख हो गई। अगर आप इसकी पीस देखना चाहोगे तो पीस आपकी 1 लाख दिख जाएगी। टोटल हमने 4,19,000 का माल किया, तो यहाँ 4,10,000 हो रहा है। हमसे कहीं गलती हुई है? देखो, एक मिस्टेक कर दी मैंने। मिस्टेक क्या करी, पॉलिथीन 100 पैकेट था 90 रुपए के रेट से, मैंने इसको अज्यूम कर लिया इसके आगे से, गलती हो गई। तो इसे दोबारा ठीक करते हैं, ठीक है। इसका रेट 90 रुपए रखते हैं, पैकेट का 90 रुपए, और पीस का रेट 90 पैसे 9 पैसे हो जाएगा, और हमने सेव करेंगे। गलती हुई है तो हमसे F9 करेंगे, फिर पॉलिथीन लिखेंगे और 100 पैकेट एंटर मार देंगे, 1 लाख पीस हो गई। उसके बाद हम चैन बनाएंगे, चैन लिखेंगे, ग्रुप में रॉ मटेरियल डालेंगे, पीस डालेंगे, पीस पीस, और हम यहाँ से 1 रुपया 1 पीस का इसे नो करेंगे और सेव कर देंगे। हो गया कितनी क्वांटिटी, 1 लाख, तो 1 लाख बिल हो गया 4,19,000 रुपए का। फिर यहाँ से जॉब वर्क बनाना है, मैं सब अदर एक्सपेंस में डाल दूंगा, आप लोग बना लेना, ठीक है। कितना, 1,000, और फिर हम यहाँ से डिस्काउंट माइनस कर देंगे 1,000। टोटल जो हमारा बिल बनेगा वो कितने का बन जाएगा, 4,10,000, सॉरी 8,400 रुपए का बिल माइनस कर देंगे, 4,11,600 रुपए का हमारा बिल बन जाएगा, और हम इसे सेव कर देंगे। ये हमारी परचेज कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगर कोई परचेज होगी तो हो, अब कोई परचेज नहीं है। अब हमने परचेज अपनी कंप्लीट कर ली, क्लियर। तो आज हमने आपके साथ पैरामीटर को डिस्कस करा, और पैरामीटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में आज हमने डिस्कस करा। अगर आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट पर जा सकते हैं। लिस्ट के साथ साथ आप यहाँ स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट रखें, और अगर आपको पैरामीटर भी देखनी है तो आप इसे पैरामीटर को यस कर देंगे, तो आप यहाँ से अपनी पैरामीटराइज परचेज भी देख सकते हैं कि आपने किस पार्टी से किस किस पैरामीटर की परचेज करी। और अगर आप ये साथ देखने के साथ साथ आप डिस्प्ले पर जाना चाहें तो आप डिस्प्ले पर चले जाएं, और यहाँ से एक टॉपिक आपको अनेबल मिलेगा जिसका नाम होगा पैरामीटराइज या पैरामीटर वाइज रिपोर्ट। आप इस पर क्लिक करोगे तो पहले मिलेगा पैरामीटर क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, जिस जो जिस आइटम का पैरामीटर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर बैच आ रहा है, यहाँ शेड आ रहा है, यहाँ कलर आ रहा है, इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। आप चाहते हो एक किसी ग्रुप का निकालना है तो आप ग्रुप में आ जाना, यहाँ से पैंट ग्रुप डाल देना, तो जो पैंट ग्रुप की होगी वो आ जाएगी, बैच, क्वालिटी और शेड, इस तरीके से आप देख सकते हैं रिपोर्ट। दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। आज हमने एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी जिसका नाम था पैरामीटराइज मैन्युफैक्चरिंग। पैरामीटर को अनेबल करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, इन्वेंटरी पर जाते हैं, और हमें यहाँ से मिलता है अनेबल पैरामीटर। जैसे हम पैरामीटर पे जाते हैं, सबसे पहले कि हम 3 से ज्यादा एंट्रियां नहीं कर सकते पैरामीटर, मतलब 3 ही फील्ड बना सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। क्वांटिटी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आती है, उसे कराने की जरूरत नहीं है। साथ साथ इनपुट, ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर का मतलब था, अगर तुम्हारी आइटम का रेट अलग अलग है तो आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हो। अगर आपको सेल प्राइस चाहिए तो वो कर सकते हो, आपको MRP चाहिए तो वो कर सकते हो। अगर आपका स्टॉक नेगेटिव जाए तो आप उसे अलाउ करोगे या नहीं, तो आप यहाँ डू नॉट अलाउ कर देना, और उसके बाद इसे सेव कर देना बस। उसके बाद जैसे आपने नॉर्मल परचेज करी वैसे आपको नॉर्मल परचेज करनी है। लेकिन एक बार आपने इस टॉपिक को अनेबल कर दिया, और एक बार इस टॉपिक के अगेंस्ट आपने कोई भी एंट्री कर दी, तो आप उसे चेंज मत करना। उसके लिए आप एक ग्रुप बना लेना और ग्रुप के अंदर ही चेंज कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने आपके साथ पैरामीटर के क्या होता है उसका यूज सीखा, पैरामीटर में परचेज कैसे करी वो सीखी, और आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ बीजी के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है पैरामीटर वाइज वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बीजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप बीजी, हम बीजी की पेनड्राइव क्लासेस हमसे बाय कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर नीचे बताया गया, आप इस नंबर पर
कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।